विशालाक्षी मैम, अगला सवाल पूछो आप। सर मैंने IRFC का 2000 शेयर्स है मेरे पास एट द रेट ऑफ 171.79। 2000 शेयर्स एट 171-172 पकड़ लेता हूं, यहां पे नुकसान। ये यस IRFC अमित जी 28 रुपए का नुकसान। भाई सब वो मोमेंटम वाले हैं, जहां रिटेल और लाली मैम का सवाल है, लेकिन हम रिटेल का यही दर्द है। हम सब इस सरकारी बैंक जो करेक्ट हुए, सरकारी कंपनी जो करेक्ट हुई, उसमें फंसे हुए हैं। 28 रुपए नीचे चल रहा है IRFC, क्या करूं? हाँ जी, 1.5 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक में। हमने एक शार्प रनअप देखा था जनवरी के मंथ में, उसके बाद से कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन मोड में है। पॉजिटिव ये है कि आज 10 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे लगता है कंसोलिडेशन यहाँ पे अभी भी कुछ दिनों के लिए जारी रहेगा। तेजी बनेगी 151 के ऊपर, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस आप लगभग रखिए, क्योंकि आपका पोजिशनल व्यू है 138 का एक स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन रहे। स्टॉक अगर 151 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के पे जब भी निकलता तो शायद फिर एक मोमेंटम यहाँ पे बने। टिल दैट टाइम इट इज इन अ कंसोलिडेशन मोड। अच्छा।